बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत होंगे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत का फरमाए, आमीन सुमा आमीन। स्टूडेंट हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो है हाफ एंगल डेंटिस और डबल एंगल डेंटिस के बारे में था। आज जो है स्टूडेंट हम ट्रिपल एंगल डेंटिस प्रूव करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के। स्टूडेंट हमारी ट्रिपल एंगल डेंटिस क्या है जी? साइन 3 अल्फा। स्टूडेंट इसको याद करने का तरीका बताता हूँ आपको, ये लिखें 3s एंड 4s। 3s मीन 3 sin alpha, 3s मीन 3 sin alpha। जब आप 3s से 4s में जाएंगे तो इनके दरमियान में माइनस साइन राइट करेंगे, और 4s मीन 4 sin alpha, और 3 जो है 3 बिग है कि 4 बिग है? आई थिंक 3 स्मॉल है, तो बेटा इस ये बड़े की पार बन जाएगा। ये याद करने का स्टूडेंट एक तरीका है। साइन 3 अल्फा का फार्मूला याद करने का मेथड क्या है कि राइट 3s एंड 4s। 3s मीन 3 sin alpha, 4s मीन 4 sin alpha, इन बिटवीन 3s एंड 4s राइट नेगेटिव साइन। स्टूडेंट 3s स्मॉल है, 4s बिग है। जो स्मॉल 3 है ना वो बिग 4s की पार बन जाएगा। आइए स्टूडेंट इसको हम प्रूफ करते हैं। तो ये लिखें जी लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये क्या है? साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू साइन 3 अल्फा को स्टूडेंट मैं 2 अल्फा प्लस अल्फा राइट कर सकता हूँ। स्टूडेंट जाहिर है क्लियरली बात है कि अगर मैं 2 अल्फा में अल्फा ऐड करूँ 3 अल्फा आएगा। स्टूडेंट इसको आप अल्फा का नाम नेम दें, इसको आप बीटा का नेम दें। तो स्टूडेंट यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लाएंगे, याद हो तो वो क्या था जी कि साइन अल्फा साइन ऑफ 2 अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा और साइन अल्फा। स्टूडेंट मैंने क्या किया है, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाया है, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इनटू कॉस ऑफ सेकंड एंगल प्लस कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल साइन ऑफ सेकंड एंगल। स्टूडेंट एक बात जरा ध्यान रखिएगा कि हम इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे और इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे। स्टूडेंट आपको पता है कि साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin alpha एंड cos alpha। आपको ये भी पता है cos 2 alpha के 3 राइट हैंड साइड थी, cos 2 alpha की 3 राइट हैंड साइड थी, बट आप वो लिखेंगे जिसमें जस्ट जो है साइन आता हो, जिसमें जस्ट क्या हो जी साइन आता हो। तो cos 2 alpha का था 1 minus 2 sin square alpha। तो स्टूडेंट मैं साइन 2 अल्फा को 2 sin alpha cos alpha से रिप्लेस करूंगा, cos 2 अल्फा को रिप्लेस करूंगा 1 minus 2 sin square alpha। तो स्टूडेंट ये क्या आएगा, ये देखें जी कि 2 sin alpha cos alpha, स्टूडेंट ये cos alpha सेम है, प्लस cos 2 अल्फा को रिप्लेस करें 1 minus 2 sin square alpha, और sin alpha सेम है। स्टूडेंट मैंने क्या किया कि sin alpha को रिप्लेस किया 2 sin alpha cos alpha से, और cos alpha को रिप्लेस किया 1 minus 2 sin square alpha। स्टूडेंट थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करें, 2 sin alpha cos alpha cos alpha cos square alpha, sin alpha को 1 से मल्टीप्लाई करें sin alpha को 2 sin square alpha से मल्टीप्लाई करें 2 sin cube alpha। स्टूडेंट आपने ये भी पढ़ा होगा बिकॉज
साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा इक्वल टू वन। स्टूडेंट ये आपने पढ़ा हुआ है, स्टूडेंट इसको इधर ले आए तो ये क्या आएगा आपका जी, कॉस स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस ए साइन स्क्वेयर अल्फा, तो इज इक्वल टू टू साइन अल्फा, और कॉस के अल्फा को वन माइनस साइंस के अल्फा से रिप्लेस करें, वन माइनस ए साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस ए टू साइन ए क्यूब अल्फा। मैंने इसको इसके साथ रिप्लेस किया, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी कि कॉस के अल्फा को रिप्लेस किया वन माइनस साइंस के अल्फा से, फिर क्या करें टू साइन अल्फा को वन माइनस साइंस के अल्फा से मल्टीप्लाई करें, टू साइन अल्फा माइनस टू साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस टू साइन क्यूब अल्फा। स्टूडेंट हमारी लेफ्ट हैंड क्या साइड क्या थी, साइन थ्री अल्फा इज इक्वल टू, स्टूडेंट टू साइन अल्फा को वन माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा से मल्टीप्लाई किया, टू साइन अल्फा माइनस टू साइन क्यूब अल्फा, साइन अल्फा सेम एज माइनस टू साइन क्यूब अल्फा सेम एज, साइन अल्फा प्लस टू साइन अल्फा थ्री साइन अल्फा, माइनस टू साइन क्यूब अल्फा माइनस टू साइन क्यूब अल्फा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फा। स्टूडेंट ये हमारी जो है ना साइन की ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हो चुकी है। स्टूडेंट उम्मीद आपको समझ लगी होगी, ये सारे जो है हिंट्स हैं ये आपने साफ लिखने हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारी है कॉस की क्या है, कॉस थ्री अल्फा स्टूडेंट ये किसके इक्वल है, फोर सी एंड थ्री सी। मैं कॉस थ्री अल्फा का फॉर्मूला याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, मैं स्टूडेंट कॉस थ्री अल्फा इज इक्वल टू फोर सी और थ्री सी, फोर सी मीन फोर कॉस अल्फा, जब आप फोर सी से थ्री सी की तरफ जाएंगे तो इनके दरमियान में माइनस लगाएंगे, तो माइनस थ्री सी थ्री कॉस अल्फा। आई थिंक थ्री स्मॉल है फोर बिग है, तो ये थ्री फोर सी वाले की फार बन जाएगा, थ्री स्मॉल है फोर बिग है तो ये थ्री जो है फोर सी वाले की फार बन जाएगा। इधर भी ऐसे ही हुआ था, थ्री स्मॉल है फोर बिग है तो थ्री फोर एस वाले एस की फार बन जाएगा, उम्मीद है समझ लगी होगी। आइए स्टूडेंट इसको प्रूव करते हैं, यहां भी आप वैसे ही करेंगे, लेफ्ट हैंड लेंगे कि कॉस लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या है आपका जी कॉस थ्री अल्फा। स्टूडेंट इसको भी वैसे लिखें जैसे आपने साइन थ्री अल्फा को राइट किया था, कॉस थ्री अल्फा दैट इज कॉस टू अल्फा और कॉस अल्फा। स्टूडेंट फर्स्ट एंगल को अल्फा का नेम दें, सेकेंड एंगल को बीटा का नेम दे, फर्स्ट एंगल को अल्फा का नेम दे, सेकेंड एंगल को बीटा का नेम दे। अब यू नो द फार्मूला ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये क्या है जी कॉस टू अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन टू अल्फा और साइन अल्फा। बिकॉज स्टूडेंट कॉस टू अल्फा के थ्री फार्मूले थे, अगर याद हो तो कॉस टू अल्फा इसके इक्वल था कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा, टू कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस वन, वन माइनस ए टू साइन स्क्वेयर अल्फा। स्टूडेंट देखें कॉस टू अल्फा की थ्री राइट हैंड साइड है, बट हम वो लेंगे जिसकी हमें जरूरत है। देखा जाए तो हमारे प्रूफ में टोटली कॉज है, देखा जाए तो हमारे राइट हैंड में कॉज है, तो फिर आप कॉज वाला लेंगे, फिर आप क्या करेंगे जी कि कॉज वाला लेंगे। अब आपको पता है कि कॉज टू अल्फा
इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस ए वन। फिर स्टूडेंट साइन टू अल्फा किसके इक्वल है, साइन टू अल्फा इज इक्वल टू टू साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, टू साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, कॉस टू अल्फा में ये वैल्यू पुट करेंगे टू कॉस स्क्वायर माइनस वन, और साइन टू अल्फा में ये वैल्यू पुट करेंगे टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो स्टूडेंट क्या बना कि टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन इन टू कॉस अल्फा माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा इन टू साइन अल्फा। देखिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, कॉस अल्फा की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की, साइन टू अल्फा की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट की। स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ लगी होगी, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन डेट इज टू कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉस अल्फा, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा इन टू साइन, तो ये कह रही टू साइन स्क्वेयर अल्फा और कॉस अल्फा। ओके स्टूडेंट, फिर आपको ये कैसा होगा, बिकॉज के साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस के थीटा। स्टूडेंट पता है ना साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस के थीटा, वो स्टूडेंट मैं इसकी जगह पुट करूंगा, ठीक है लगी से लगी। तो ये क्या है आपका जी, टू कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस टू वो वाला कॉस अल्फा, ठीक है टू और दिस कॉस अल्फा। अब साइन क्यूब अल्फा की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट देख रहे हैं कि मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट की है, ठीक है टू टू सेम है कॉस अल्फा सेम है। स्टूडेंट देखिएगा जी कि टू कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉस अल्फा, टू कॉस अल्फा को वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करें माइनस टू कॉस अल्फा, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगी टू कॉस अल्फा क्यूब अल्फा, टू कॉस अल्फा इन टू वन माइनस टू कॉस अल्फा, माइनस इन टू माइनस प्लस टू कॉस अल्फा कॉस के अल्फा टू कॉस क्यूब अल्फा। स्टूडेंट देयर फोर क्या था जी, कॉस थ्री अल्फा इज इक्वल टू टू कॉस क्यूब अल्फा, टू कॉस क्यूब अल्फा और कॉस क्यूब अल्फा, माइनस कॉस अल्फा माइनस टू कॉस अल्फा माइनस थ्री कॉस अल्फा। स्टूडेंट आई थिंक ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ये आपकी कॉस की जो है वो ट्रिपल एंगल डेंटिस थी। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी। स्टूडेंट अब हम टेन की ट्रिपल एंगल डेंटिस करते हैं, तो वो क्या है कि टेन थ्री अल्फा इज इक्वल टू थ्री टेन अल्फा माइनस टेन क्यूब अल्फा ओवर वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर अल्फा। ये स्टूडेंट इसकी ट्रिपल एंगल डेंटिस थी जो कि अब हम प्रूव करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये टेन की है तो बिल्कुल वैसे जैसे आपने पीछे की है वैसे ही करना है कि लेफ्ट हैंड साइड लें, तो स्टूडेंट टेन थ्री अल्फा किसके इक्वल होता है देखिएगा जी, ए इज इक्वल टू टेन टू अल्फा और प्लस अल्फा। इट्स ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट इसको आप अल्फा समझें, इसको आप अल्फा समझें, इसको आप बीटा समझें। तो यहाँ आप टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म लाएं, तो ये कहेगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन टू अल्फा और ये टेन अल्फा। स्टूडेंट मैंने क्या किया
कि टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आया, फिर आपने टेन डबल एंगल डेंटीज में पढ़ा हुआ है बिकॉज के टेन टू अल्फा किसके इक्वल था, अगर आपको याद हो वो याद था टू टेन अल्फा ओवर वन माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा। स्टूडेंट मैं इसकी जगह जो है ना ये वैल्यू पुट करूंगा, टेन टू अल्फा की जगह मैं ये वैल्यू स्टूडेंट पुट करूंगा, उम्मीद है आपको समय लग गई होगी। तो ये क्या है जी, टू टेन अल्फा ओवर वन माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा प्लस टेन अल्फा ओवर, नीचे भी ऐसे करेंगे, वन माइनस टू टेन अल्फा ओवर वन माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा इंटू टेन अल्फा। स्टूडेंट मैंने नया काम कोई नहीं किया कि मैंने टेन अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट की और इस टेन अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट की। अब ऊपर वाले को भी सिंपलीफाई करें और नीचे वाले को भी सिंपलीफाई करें एलसीएम लेके, ठीक है स्टूडेंट। ऊपर वालों में से एलसीएम क्या आएगा, वन माइनस टेन स्केयर अल्फा, वन माइनस टेन स्केयर अल्फा। स्टूडेंट सिर्फ न्यूमिरेटर को देखेगा इस टाइम, सिर्फ आपने इसको देखना है, इस टाइम सिर्फ आपने इसको देखना है, नीचे वाले को नहीं देखना। स्टूडेंट एलसीएम क्या है, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा को मैंने राइट कर लिया, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा को वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा पे डिवाइड किया तो वन, वन को टू अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो टू अल्फा। स्टूडेंट वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा को डायरेक्ट टेन अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस टेन अल्फा इंटू वन माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा। स्टूडेंट देखें क्या किया मैंने कि वन माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा को क्या किया कि एलसीएम लिया, वन माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा को वन माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा पे डिवाइड किया वन, वन को टू टेन अल्फा पे डिवाइड किया टू टेन अल्फा, वन माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा को डायरेक्ट टेन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। स्टूडेंट ये था आपका न्यूमिरेटर। अब हम आते हैं जी आपके डिनोमिनेटर की तरफ, यहाँ एलसीएम क्या आएगा, वन माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा, यहाँ एलसीएम क्या आएगा आपका जी, वन माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा। स्टूडेंट वन माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा को डायरेक्ट वन से मल्टीप्लाई किया वन माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा। स्टूडेंट वन माइनस टेन स्केर अल्फा को वन माइनस टेन स्केर अल्फा पे डिवाइड किया तो वन, वन को टू टेन अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू टेन स्केर अल्फा। स्टूडेंट वन माइनस टेन स्केर अल्फा को डायरेक्ट वन से मल्टीप्लाई किया वन माइनस टेन स्केर अल्फा, फिर वन माइनस टेन स्केर अल्फा को वन माइनस टेन स्केर अल्फा पे डिवाइड किया तो वन, वन को टू टेन अल्फा से मल्टीप्लाई किया टू टेन स्केयर अल्फा। स्टूडेंट नीड हम लगी होगी, ये देखिए इससे क्या हुआ, कैंसल हो गया। तो स्टूडेंट तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, ठीक है ये वन माइनस टेन स्केयर से कैंसल, तो स्टूडेंट ये क्या कहा जी आपका जी के टू टेन अल्फा को वन माइनस टेन स्केयर अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा जी, टेन अल्फा माइनस टेन क्यूब अल्फा। स्टूडेंट देखें वन सेम एज माइनस वन टेन स्केयर अल्फा माइनस टू टेन स्केयर अल्फा, ये क्या आएगा माइनस थ्री टेन स्केयर अल्फा, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। फिर जी टेन थ्री अल्फा जो कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी इज इक्वल टू टू टेन अल्फा थ्री टेन अल्फा माइनस टेन क्यूब अल्फा,
ओवर वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट देखें, टू टेन अल्फा, टू टेन अल्फा, टू टेन अल्फा, टू टेन अल्फा, थ्री टेन अल्फा माइनस टेन क्यूब अल्फा ओवर वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट ये आपकी टेन की ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज भी प्रूफ हो चुकी है।